क्रिकेट एंड बॉलीवुड इंडिया का दो सबसे ग्लैमरस इंडस्ट्री है जिनके बहुत ही पैशनेट फैंस हैं और इन दो इंडस्ट्रीज का आपस में रिश्ता बहुत ही पुराना है, चाहे वो एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का अफेयर हो या फिर क्रिकेट बेस्ड मूवीज। आज के डेट में ये दोनों इंडस्ट्री को कंबाइन करो तो मिलता है एक ग्लैमरस हाई ऑक्टेन इवेंट द इंडियन प्रीमियर लीग, जिसने क्रिकेट का नक्शा ही चेंज कर दिया। जहां एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, पीटी सिंटा एंड शिल्पा शेट्टी आईपीएल टीम के ओनर्स हैं, वहीं बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को ऑलमोस्ट हर मैच में देखा जाता है अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। लेकिन जितनी पुरानी दोनों इंडस्ट्री है उस हिसाब से बहुत कम मूवीज बनी है क्रिकेट पे, बट फिर भी आज आपका ये आम आदमी आपके सामने लेकर आ रहा है टॉप 20 मूवीज बेस्ड ऑन क्रिकेट। और ये वो मूवीज होंगे जिनका स्टोरी लाइन क्रिकेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए मूवीज लाइक चमत्कार एंड प्यार किया तो डरना क्या, जहां क्रिकेट सिर्फ खेलते हुए दिखाया गया है, उसको इस लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और ये सारी मूवीज आप कहां देख सकते हैं वो भी वीडियो में बताता रहूंगा। वैसे वीडियो के एंड में आप सबको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप आज तक सुने ही नहीं होंगे, लेकिन मूवी का नाम सुनने के बाद आपको शॉक जरूर लगेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। Don't angry me. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नंबर 20 पे है 1984 की YouTube पे अवेलेबल विनोद मेहरा, कुमार गौरव एंड शक्ति कपूर स्टारर ऑलराउंडर। ये मूवी कुमार गौरव की कहानी है जहां उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है, लेकिन शक्ति कपूर जो खुद ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है वो अपने चालाकी से कुमार गौरव को इंडियन टेस्ट साइड से निकलवा देता है। अब कैसे अपने भाई विनोद मेहरा की हेल्प से कुमार गौरव वापस टेस्ट टीम में सिलेक्ट होता है, ये उसी की कहानी है। नंबर 19 पे है 2008 की मंदिरा बेदी स्टारर मीराबाई नॉट आउट, जिसको आप अमेजन पे बाय या रेंट कर सकते हैं। मंदिरा बेदी इसमें एक स्कूल टीचर का रोल प्ले कर रही है जो उठते बैठते और इनफैक्ट पढ़ाते हुए भी क्रिकेट के बारे में ही सोचती है। क्रिकेट के पीछे वो इतनी पागल है कि वो खुद के शादी में भी लेट पहुंचती है। मूवी में अनिल कुंबले का स्पेशल अपीयरेंस है जिसे मूवी में मंदिरा बेदी का कैरेक्टर भगवान मानता है। नंबर 18 पे है 2003 के YouTube पे अवेलेबल रवीना टंडन स्टारर स्टम्प्ड। 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बैकड्रॉप पे बनी ये मूवी रवीना टंडन की इमोशनल ट्रॉमा और अकेलेपन की कहानी है, क्योंकि उसका पति कारगिल की जंग में गया हुआ है जो शायद मर गया है, लेकिन फिर भी रवीना टंडन को उसका इंतजार है और इसके बावजूद उसके आसपास के रेसिडेंट्स क्रिकेट पे कंसंट्रेट करके उसको एंजॉय करने में ही लगे हुए हैं। मूवी में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव एंड युवराज सिंह को भी दिखाया गया है। नंबर 17 पे है 2007 की YouTube पे अवेलेबल नाना पाटेकर, डैनी एंड कुणाल कपूर स्टारर हैट्रिक। ये मूवी तीन तरह के लोगों की कहानी है, एक वो लोग जो क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब रिटायर्ड है, एक वो लोग जिनको क्रिकेट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और एक वो लोग जो क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस है लेकिन उनकी बीवी को वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अब कैसे क्रिकेट इन तीनों टाइप के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 16 पे है 1959 की YouTube पे अवेलेबल देव आनंद जी स्टारर लव मैरिज। ये मूवी आधा क्रिकेट के ऊपर है एंड आधा रोमांस पे। देव आनंद जी एक अपकमिंग क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको अपने मकान मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। अब क्रिकेट कैसे इन दोनों को मिलाता है और उससे रिलेटेड क्या क्या होता है ये उसकी ही कहानी है। नंबर 15 पे है 2009 की YouTube पे अवेलेबल हरमन बवेजा स्टारर विक्ट्री। इस मूवी का तो कास्ट खुद में ही एक आईपीएल है। मूवी में एलन बॉर्डर, टॉनी ग्रेग, मुरलीधरन, ग्रैम स्मिथ, जयसूर्या, वकार योनिस, मोहिंदर अमरनाथ एंड माइकल हसी जैसे क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज हैं। मूवी में हरमन बवेजा एक क्रिकेटर है जिसका फॉर्म खराब हो जाता है और शॉक की वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इंडियन टीम में वापस आ जाता है और बेचारे स्टुअर्ट क्लार्क जैसे क्रिकेटर को लास्ट ओवर में हरमन बवेजा जैसा एक्टर दे छक्का मार के धुन देता है। नंबर 14 पे है 1990 की YouTube पे अवेलेबल देव आनंद जी एंड आमिर खान स्टारर अव्वल नंबर। अब कहानी सुनिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है और इंडिया सीरीज में 0-2 से पीछे है। अब कुछ टेररिस्ट 50,000 स्पेक्टेटर से भरे वानखेड़े स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ा देना चाहते हैं, जिसका ट्रिगर आदित्य पंचोली के पास है। दूसरी तरफ देव आनंद साहब वानखेड़े के ऊपर हेलीकॉप्टर से आदित्य पंचोली के ऊपर स्नाइपर रखे हुए हैं, और तीसरी तरफ आमिर खान स्ट्राइक पे है जिसको 6 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने के लिए। इससे ज्यादा बॉलीवुड मसाला और क्या हो सकता है। इस मूवी को आप देव आनंद जी के डायरेक्शन के लिए जरूर देखिएगा। नंबर 13 पे है 2007 की YouTube पे अवेलेबल संजय सूरी एंड मिलिंद सुमन स्टारर से सलाम इंडिया। ये ऐसी मूवी है जिसको बहुत ही नॉन ग्लैमरस और रियलिस्टिक रखा गया है, जो इस मूवी का प्लस पॉइंट है। मूवी में दो स्कूल के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट को दिखाया गया है जहां आप जो एक स्कूल मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब विटनेस करेंगे। अगर आप कभी अपने स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेले हैं तो ये मूवी शायद आप ही की कहानी है। नंबर 12 पे है 2019 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सोनम कपूर एंड दलकीर सलमान स्टारर द जोया फैक्टर। हम सब कभी न कभी इस अंधविश्वास में जिए हैं कि अगर मैं सोफे से हिल गया तो सचिन आउट हो जाएगा, अगर मैं चैनल चेंज कर दिया तो शायद धोनी आउट हो जाए। ऐसा ही कुछ सुपरस्टिशियस वाली कहानी है द जोया फैक्टर, जहां सोनम कपूर एक लकी चार्म बन जाती है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। नंबर 11 पे है 2009 की अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल रानी मुखर्जी एंड शाहिद कपूर स्टारर दिल बोले हड़प्पा। रानी मुखर्जी एक टैलेंटेड बैटर है जो एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखती है, इसलिए वो लड़का बनकर ट्रायल सेशन में जाती है जहां शाहिद कपूर उनको
सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है वो बेसिकली कॉमेडी ऑफ एरर्स है जिसको रानी मुखर्जी एंड शाहिद कपूर दोनों भूल जाना चाहेंगे। नंबर 10 पे है 2007 की यूट्यूब पे अवेलेबल जैन खान एंड राहुल बोस स्टारर चैन कुली की मैन कुली। जैन खान को किसी तरह कपिल देव का वो बैट मिल जाता है जिससे वो 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जो मेरे अकॉर्डिंग इज द बेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड बाय एनी क्रिकेटर। एनीवेज अब जैन खान को लगता है कि वो एक मैजिक बैट है क्योंकि वो उस बैट से इतना अच्छा खेलने लगता है कि वो इंडियन टीम में खेलने वाला यंगेस्ट प्लेयर बन जाता है। मूवी में कपिल पाजी का भी स्पेशल अपीयरेंस है। नंबर 9 की मूवी शर्मन जोशी स्टारर फरारी की सवारी को आप अमेज़न पे बाय या रेंट कर सकते हैं। ये मूवी सरप्राइजिंगली अच्छी है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा का स्क्रिप्ट जो है। मूवी बाप बेटे की कहानी है जहां शर्मन जोशी अपने बेटे का लॉर्ड स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से शर्मन जोशी को एक यूनिक आइडिया आता है और वो सचिन तेंदुलकर की फरारी चुरा लेता है। आगे क्या होता है वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 8 पे है 2016 के नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल इमरान हाशमी स्टारर अजहर। ये मूवी फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का बायोपिक है जहां उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ को दिखाया गया है बोथ ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड। नंबर 7 पे है 2017 की सोनी लिव पे अवेलेबल सचिन तेंदुलकर की डॉक्यूमेंट्री सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। सचिन तेंदुलकर की ये डॉक्यूमेंट्री एक मस्ट वॉच है अगर आप सचिन के डाई हार्ड फैन है तो। इस डॉक्यूमेंट्री में उनके अप्स एंड डाउन्स को और कैसे वो गॉड ऑफ क्रिकेट बने वो सब दिखाया गया है। क्रिकेट उनके पर्सनल लाइफ में कैसे इफेक्ट किया और कैसे उनकी फैमिली उनको हमेशा हर स्टेज में सपोर्ट किए हैं, ये सब देखकर आप शायद इमोशनल हो जाएंगे। एंड वंस अगेन, अगर आप सचिन तेंदुलकर के फैन हैं तो ये मूवी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 6 पे है 2011 की यूट्यूब पे अवेलेबल अक्षय कुमार एंड अनुष्का शर्मा स्टारर पटियाला हाउस। ये कहानी एक ब्रिटिश इंडियन की है जो इंग्लैंड टीम के लिए क्रिकेट खेलता है। ये मूवी भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी थी एंड टू बी ऑनेस्ट अक्षय कुमार का बोलिंग स्किल्स काफी इंप्रेसिव था। अगर आप ये मूवी नहीं देखे हैं तो इसको आज ही देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो गाइस, टॉप 5 में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस चैनल में ऐसे कंटेंट्स एंड लेटेस्ट मूवी रिव्यूज रेगुलरली आते रहते हैं। नंबर 5 पे है 2008 की यूट्यूब पे अवेलेबल इमरान हाशमी स्टारर जन्नत। अपने प्यार को पाने के लिए इमरान हाशमी अपना सिक्स सेंस इस्तेमाल करके क्रिकेट पे सट्टा लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि कार के बिना प्यार नहीं होता, नो कार नो प्यार। अब इस बैटिंग पावर से वो धीरे धीरे बहुत बड़ा सट्टेबाज बन जाता है और बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली उसे अपने प्यार और बैटिंग के बीच में किसी एक को चुनना पड़ जाता है। मूवी के गाने इस मूवी को और भी बड़ा हिट बना दिया था। नंबर 4 पे है 2013 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सुशांत सिंह राजपूत अमित साध एंड राजकुमार राव स्टारर काय पूछे। चेतन भगत की बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे बेस्ड ये मूवी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है क्रिकेट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन का। तीन दोस्त मिलकर एक क्रिकेट एकेडमी खोलते हैं जहां ये लोग एक मुस्लिम चाइल्ड प्रोडिजी को क्रिकेट सुपरस्टार बनाने में लग जाते हैं। मूवी में तीनों एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही पावरफुल है जो इस मूवी को एक मस्ट वॉच बनाता है। नंबर 3 पे है 2005 की यूट्यूब पे अवेलेबल शेष तलपड़े एंड नसरुद्दीन शाह स्टारर इकबाल। एक गुंगा और बहरा इंसान जो एक जबरदस्त बॉलर है, उसका बस एक ही सपना है और वो है इंडियन टीम के लिए खेलना, जिसको पूरा करने में हेल्प करते हैं एक्स क्रिकेटर नसरुद्दीन शाह। मूवी में शेष तलपड़े एंड श्वेता प्रसाद की भाई बहन वाली बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो मेरे हिसाब से इस मूवी का एक्स फैक्टर था। मूवी का सॉन्ग आशाएं स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग्स एवर। नंबर 2 पे है 2001 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल आमिर खान स्टारर लगान। मूवी में जब कुछ लोग अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हो और वो हक मिलने में अगर एक क्रिकेट मैच डिसाइड करेगा तो उससे अच्छा स्टोरी लाइन आखिर क्या हो सकता है। कुछ गांव वाले मिलकर एक वेल ट्रेन्ड ब्रिटिश टीम को उन्हीं के गेम क्रिकेट में सिर्फ चैलेंज ही नहीं करते हैं बल्कि हरा भी देते हैं। मूवी में जब आमिर खान हो, आशुतोष ग्वारीकर का डायरेक्शन हो, एआर रहमान का म्यूजिक हो और एक ऑस्कर नॉमिनेशन हो तो और क्या चाहिए। तो गाइस, नंबर 1 पे है 2016 के यूट्यूब पे अवेलेबल सुशांत सिंह राजपूत स्टारर एमएस धोनी। ये मूवी जो एमएस धोनी का बायोपिक है सिर्फ मूवी ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, इसलिए शायद मैंने इस मूवी को नंबर 1 पे रखा है। बड़े पर्दे पे 5 साल बाद धोनी का वो वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स देखना एक ट्रीट था जिसे शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो गाइस, आपको याद होगा कि वीडियो के स्टार्ट में मैं बोला था कि मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिसको आप शायद सुने ही नहीं होंगे, और वो मूवी है 2009 में रिलीज हुई वर्ल्ड कप 2011। जी हाँ, मूवी का नाम है वर्ल्ड कप 2011 और ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। जबरदस्त कोइंसिडेंस है। इस मूवी में सुरेश ओबराय एंड रवि कपूर है और ये मूवी एक मैच फिक्सिंग पे रिवॉल्व करती है। बहुत ही बेकार मूवी है, इसलिए मैं इस मूवी को टॉप 20 में रखा ही नहीं, बस सोचा कि आप सबको इसके बारे में बता दूं कि शायद आप सुने नहीं होंगे, और अगर आप सुने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे हम सब धोनी का वो विनिंग सिक्स नहीं भूल सकते, वैसे ही मैं भी आप सबको नहीं भूलूंगा अगर आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिए तो। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है इस लिस्ट की। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू guys for watching।